अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अम्मी व्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे स्टडी टेबल पे कुछ फ्लावर्स पड़े, तो मैंने सोचा कि ये क्रिएटिविटी क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। चलिए अब शुरू करते हैं फूल बनाना। तो उसके लिए ये ए फोर शीट मैंने ले ली और इसके बाद क्या किया, मैंने जो वीडियो में देखा उसी के अकॉर्डिंग में करती थी, तो बहुत मज़े के जो है ये बनते गए। तो उसके बाद क्या करना है, इसको इस तरह से जो है वो फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसको बिल्कुल इक्वल जो है वो लेकर आना है ये, और फिर यहाँ से इसको इस तरह से कर लेंगे कि ये इक्वल आता जाए। उसके बाद जितना ये अगला हिस्सा है इसको जो है वो काट देंगे, सीजर से भी कट कर सकते हैं और स्केल की मदद से भी, तो मैं जो है वो स्केल की मदद से कट करूँगी। स्केल की मदद से जो है ये सारा कट कर दिया, तो ये बच्चा कुछ हिस्सा इसका साइड पे कर देंगे, क्योंकि यही बाद में भी बड़े जो है वो काम आ जाता है, दिमाग और चलता रहता है, आइडियाज़ आते रहते हैं। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जो है इसको दोबारा से इस तरह की शेप जो है वो दे लेंगे कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये इक्वल आती जाएँ, इस तरह से। फिर इसको यहाँ से भी चेक करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह इक्वल आती जाएंगी, तो जस्ट एक इस तरह से कर दें, फिर यहाँ से भी इस तरह से क्या कि इनकी समझे कि एक किस्म की तय बैठती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि ये इस तरह से जब हो जाएगा तो फिर हम यहाँ से एक केस का ये पार्ट लेंगे, इसको अब इसकी बिल्कुल इक्वल लेकर आएंगे, और यहाँ से हमने नीचे जो है ये कॉर्नर का भी जो है वो ध्यान रखना है कि कॉर्नर की शेप भी जो है वो अच्छी बने, क्योंकि जितना काम सफाई से होगा उतनी चीज़ भी अच्छी बनेगी, और जितनी अच्छी बनेगी उतना ही मज़ा भी आएगा। तो ये हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है इसको दूसरी तरफ जो है ये टर्न कर देंगे इस तरह से, तो अब इसको भी साथ सेट कर लेते हैं पहले कि सारा जो है इक्वली आता जाए, क्योंकि यहाँ से भी ध्यान रखना होता है और यहाँ से भी देखना होता है कि इक्वली आता जाए। अब जब ये हो जाएगा तो दोबारा से इसको इस तरह नेल की मदद से कर लेंगे ताकि इसकी सही तहें जो हैं वो अच्छे तरीके से बैठ जाएं। ठीक है, क्योंकि फिर इस तरह से क्या होगा कि ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे कि अब ये वाली जो चीज़ है इसके इक्वल ले आएंगे, तो ये कुछ इस तरह से शेप बन जाएगी, और फिर जो दूसरी साइड है इसको भी इसके इक्वल कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो वही चीज़ है, कॉर्नर का जो है वो स्पेशली ध्यान रखना होता है इसमें कि सारा बिल्कुल परफेक्ट जो है वो आता जाए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब क्या होगा कि आप जो इसका ये वाला हिस्सा इसको काट देंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें ये थी, फिर ये और फिर ये। ठीक है, अब इनको जो है वो दोबारा से सेट कर लेना है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो है वो मैंने इसको ये पेटल की शेप दे ली, और इसी तरह से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कट करने के बाद इसको जो है ओपन करेंगे और ये फिर इस तरह से हो जाएगा। आप क्या करना है कि आप थोड़ा सा इसको मसीह जो है ये वाली चीज़ यहाँ तक कट करने, मतलब ज़्यादा भी ना वो चले जाए। तो चलें ये इसको अब कट करते हैं, सबको जो है मैंने कट कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब इसको उठाएंगे और इन सब का एक ही तरफ ले आएंगे। अब एक एक पेटल को क्या करना है कि ये बिल्कुल इस तरह से जो है इसका ये जो सेंटर पॉइंट है इसकी इक्वल ये चीज़ होती जाए, और इसको फिर इस तरह से यूँ जो है वो करते जाएंगे। ठीक है, इन सबको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया और ये कुछ इस तरह से जो है वो शेप हो जाएगी। इस तरह की जो है हम लोग कह लें तो 6 जो है वो इस तरह की टेम्पलेट जो है वो रेडी करेंगे। अब ये कट किए हुए जो फ्लावर हैं एक एक करके रखेंगे और इसके सेंटर में जो है वो हम वाइट ग्लू लगाते जाएंगे। वाइट ग्लू लगाने के बाद अब हम जो है अगली इसकी टेम्पलेट इसके ऊपर रखेंगे। अच्छा, ये दूसरा हम लोगों ने इसके ऊपर फ्लावर रख दिया, एक एक करके जो है इसके ऊपर जो है वाइट ग्लू से जो है पेस्ट करते जाएंगे। आप देखें इन सबको जो है आप इसमें पेस्ट कर दिए। उसके बाद ये छोटू सा एक फ्लावर बनाया, वाइट ग्लू लगाएंगे और उसके साथ जो है इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें इसकी खूबसूरत सी शेप रेडी हो चुकी। अपनी जो है वो क्रिएटिविटी थी, तो जैसे भी थी आप लोगों के साथ कहा शेयर करूं, और बताइएगा मुझे कमेंट में कि कैसा लगा आपको।
वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।